तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी बच चुका है, 12 बज चुका है, 3 घंटा हो चुका है हॉस्पिटल में। क्या लंबी भीड़ लगी थी, 2 घंटे तो भीड़ लगा मम्मी के साथ। मम्मी से कह रही हूँ शेर को लेके चलते हैं, ट्रेन से बता हुआ है। मस्त बनाएगी तो फिर रेसिपी बताना ठीक है मेरे दोस्तों को। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 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 9 बजे से। तो नाश्ता हमने कर लिया, 7 बजे ही हमने नाश्ता कर लिया। पराठे बनाए थे और मैकरोनी बनाई थी मैंने। तो नाश्ता हमारा हो चुका है, पापा जा चुके हैं अपने खेत पर, अभी चली है लंच की तैयारी। तो अभी हम बना रहे हैं इस बार भटकी चूरकानी, हरी सब्जी बना दी है और चावल हम लोग आके बनाएंगे क्योंकि मम्मी और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल। थोड़ा सा मम्मी के मुंह में छाले हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, हमने सोचा ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, घरेलू उपचार हम कर ही रहे थे, थोड़ी दवाई भी ले रही थी मम्मी, बट नहीं हो रहा ठीक, तो दिखाना जरूरी है थोड़ा सा। और मम्मी आलस, थोड़ा तो मम्मी को आलस भी आ रहा जाने का क्योंकि मम्मी की वजह से जो चलने में परेशानी भी होती है, घुटनों में परेशानी है। और ये देखो पीछे से मेरी दी है यहाँ पे, और ये श्रेया को देखो जरा क्या मस्त ढनकी पड़ी है जमीन में। और सो आज सुबह सुबह मैंने जोई को नहला दिया मस्त तरीके, देखो जैसे ढनकी अच्छा टूट के बैठ गई। जोई को सुबह सुबह नहला दिया, सैंडी मैडम कुर्सी में विराजमान है, मम्मी जा चुकी है तैयार होने के लिए, तो मैं भी फटाफट होती हूँ तैयार। और आज श्रेया बनाने के लिए सोया चाप, कैसे सोया चाप को बनाए और ऐसे भी देख रही है, सोया चाय बनाऊंगी बोली। कौन सी वाली बनाऊंगी? अरे मलाई सोया चाय बनाऊंगी ये ना। तो ठीक है, आज शाम को हम श्रेया के हाथ का मलाई सोया चाय खाएंगे। तो मैं फटाफट होती हूँ पहले तैयार हॉस्पिटल जाने के लिए। तो अभी चटक धूप में निकल चुके हैं दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल जाने के लिए, वो शू शू करने में भी चलो छाल आ रही है, तो छालों से परेशान है बेचारी। दिखाते हैं बच्चा काटते हैं, देखते हैं क्या होता है। हल्ला नहीं चल के बोली तो आ नहीं रही है, बाद में आऊँगी बोली, जाड़ में गर्मी में नहीं आती बोली। चलो भाई धीरे धीरे चलते हैं, आधे घंटे में ठीक ही पहुँचेंगे क्योंकि चल भी तो नहीं पाती है, धीरे धीरे चलेंगे। और यहाँ ऐसी सुविधा भी नहीं है, यहाँ पे ऑटो टुक टुक मिल जा रहा आसानी से। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी बच चुका है, 12 बज चुका है, 3 घंटा हो चुका है हॉस्पिटल में। क्या लंबी भीड़ लगी थी, 2 घंटे तो भीड़ लगाई मम्मी के साथ। अब मम्मी दवाइयाँ ले रही हैं, फिर आगे को निकलते हैं घर को, भीड़ बहुत है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गाजी चौराहे में और यहाँ पे ज़्यादातर फल और सब्जी की दुकान दिखेगी आपको। सब्जी ले लिया खीरा, आलू नए वाले आइए। मम्मी सुड़की लगा के खा रही है, खा लो। ठंडा लगाना था ये भैया ने, गहरा कटा नहीं था तो प्लेट पे दे दिया हमको। काजू तो आप काजू मत खाया करो, आपको एलर्जी है काजू से, इसको पी लो। तो अभी जैसे यहाँ पे बच्चों के लिए टिक्किया पैक हो रही है, दिया को खाना था। मम्मी से कह रही हूँ शेर को लेके चलते हैं, ट्रेन से बता हुआ है। मम्मी आगे आगे चले, अरे यहाँ हूँ मेरी ढो दे रही हूँ ये वही वाला ढलान है जब स्कूल साथ में ना, मैंने इसको अपने बहुत सारे घुटने फोड़े, अब तो यहाँ पे थोड़ा खरंजा लग गया है बहुत बार, मेरे घुटनों में अभी भी निशान होंगे यहाँ पे गिरे हुए बचपन के, ऐसे गिरती थी सीधे मुँह के बस घुटनों के बस। अरे मम्मी तुझे क्या मिला? लक्ष्मी मिली, लक्ष्मी मिल गई मम्मी को भाई, जय हो, मंदिर में चढ़ा देना। हाँ पहले हम लोग नहीं उठाते थे ना, पर हम किसी को दे देते थे। हाँ पर वो भी लक्ष्मी खरी जब मिली आपको, चलो बड़ा मिलता था कोई बात नहीं, हम आगे चल के किसी को दे देंगे। तो अभी चलते हैं इस दौरान में आराम से क्योंकि अभी भी डर लगता है कि अभी भी कहीं इसमें मेरा चल जाएंगे खुदना ना फूट जाए फिर से। ये है पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है नहीं। और यहाँ से मम्मी को अभी रास्ते में मिले थे ये 20 रुपये का नोट, एक एक टिक्की नाना जी को भी देना, चार ही लाइन में। हाँ नकली सोचा ना, अरे बाबा
श्रेया को मिले भाई, मजा आ गई दिया की। हाँ दिया की अभी कहूँ करने के लिए लेके हम फाइल भेज दिया और श्रेया का। और ये आलू की टिक्की जो हम लोग अभी पैक करा के रहे थे, कुरकुरी पहले 10 रुपए का सिक्का मिला था, अभी 20 रुपए। नानी रो, नानी का तो मिलता रहता, लक्ष्मी नानी लक्ष्मी तो नानी के साथ रहेगा, सब नानी देते रहेंगे सिक्के। इसके अंदर ना मंगाते 5-5 पेन अलग 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 कलर के हैं छोले, उसमें एक बड़े खट्टे में बेटे, इसमें दस में भाज लेगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, और फिर आने के बाद खाना खाने के बाद थोड़ी नींद निकालने के बाद बाहर आ चुकी हूँ। यही जब इतनी गर्मी में समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे वहाँ कितनी गर्मी हो जाएगी, वहाँ भी काफ़ी गर्मी हो जाएगी, यहीं बहुत गर्म हो रहा है। बच्चे अभी सोई नहीं है, 4 बज चुका है शाम के। मम्मी पापा लोग अंदर ही है, मैं आ चुकी हूँ बाहर हाथ में ठोके। थोड़ी यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा तो आ रही बाहर, कम से कम अंदर तो इतना तप रहा है कि मतलब पंखा लगा करके भी तप रहा है। ऊपर है ना सीधे छत गर्म हो रही, तो नीचे गर्मी हो रही है अगर रूम में। जोई आया, तो अभी ना मस्त वाली खुशबू आ रही है। साइड में श्रेया नाश्ता बनाने लग गई है, क्योंकि श्रेया ने बोला था नाश्ता बना के, मैं बनाने लगी हूँ सच्ची में, बनाने लगी है। शायद मैंने सब दिन में कर लिया था। ओ माय गॉड, खुशबू आ रही थी मुझे बाहर से। लाइट कहाँ से है भाई किचन की मेरी। हाँ क्या बना रही है छिटा रहे, सोया चाप बना रहे, इसने दिन में मैरिनेट किया था। यस और डालना तो करने तो पहले मस्त रही जल जल के बन रहा है यहाँ पे नाश्ता। देखो जरा एक गाल हाथ में किए थे, दिख तो अच्छा ही रहा है। बना एक बाउल में निकाल उसको, किसी में डाला के नहीं। क्या हो गया, चलो मस्त बनाएगी तो फिर रेसिपी बताना ठीक है मेरे दोस्तों को। एक बार बना के नींद बना ली थी क्या, सो गई होती है। सुबह से आप लोग गए थे तो मैं और भी काम कर रही थी ना, तो भाई ये कर दी थी, फिर आधा काम कर दी, फिर वो कर दी, फिर आधा काम कर दी, वो कर दी, वो कर दी, आधा काम कर दी, तो अभी हम तो हॉस्टल में थे, जाना जरूरी था ना हॉस्टल से। फिर उसके बाद आधे सामान तो मिले नहीं मुझे, जितना मिला वो डाला मैंने, और वो डाल के भी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। स्मेल तो अच्छा खाने में पता चलेगा जैसा होता है। चल बना बना, फिर चल मैं जा रही हूँ बाहर बना बना। गुड तो यहाँ पे सोया मलाई चाप बन के रेडी हो चुका है, फैटी होने का। नानी को भी देना फैटी, नाना को भी फैटी होने का। पापा को पसंद आया आपको, पापा को अच्छा नहीं, नाना जी को और डाल दे। सोया चाप है पापा, ये सोया बड़ी वो गिरेगा, नानी की चाय गिरेगी। सोया दिया डब्बा डा, मामा को भी। हम लोग सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ मैं यहाँ पे रील बना रही हूँ। हाँ पर मीट नहीं है सोया चाप। मैं बोला पहली बार बना, खा बढ़िया, तेरा हाथ भी सही। ये देखो मेरा क्या चल रहा है यहाँ पे, जीप को कंट्रोल करो। चल मैं मोमो बनाऊंगी और नाना जी को खाली 2 पीस मिलेंगे, क्योंकि नाना जी जीप में कंट्रोल रख रहे हैं। ओके नाना जी, चटोरी जीप है वही, मक्खन और क्या कहते हैं जूहा का नाम क्रीम, क्रीम क्रीम अब ये डाल के तो कोई बढ़िया है। नाना जी बढ़िया क्या होते हैं स्नैप तो बनाएंगे, बना मस्त ले नाम नहीं बनाया बोलिया, उसने भी खोल दिया बनाने का फोन। दोनों स्टेप बनाने लगे बन गई दिया की टेस्ट करी दो पीस खाए मम्मी ने, मम्मी खाना में क्या अच्छा लगा बताए तो कर टेस्ट करी पीस जी फिर जमाने। मम्मी जारी परेशान है अपने छाले से, छाले परेशान है।
तो अभी पापा खेत से तोड़ के लाए धनिया, ताजे ताजे खेत मस्त हो रहे, थोड़े थोड़े फूल हो रहे पर अच्छे हो रहे। और बीन देखो सब्जी हो रही है खेत की हमारी। सुबह इसे खेत में रहते हैं पापा, बस शाम तक बस अब आए हैं ऊपर, अभी भी लेट आते हैं, अभी तो नजदीक अभी जल्दी जो आ गए को ये सब्जी लेके आए हैं। दो सब्जी बन जाएगी आराम से बीन की हमारी, और कल हमारे बनेगा चटनी और साथ में पुदीना दिया है आंटी ने, तो चटनी भी बनाएंगे कल हम लोग मस्त अपने खेत की। बीन भी अच्छी हो रही है बा, ये बीन ना मैं अभी मार के वहाँ से ले रही थी बीन, कहाँ से को हल्द्वानी में बीन लिए थे ना, सो एक किलो बीन में आधा किलो से भी कम वो दाने निकल रहे थे, ऐसे थे ही नहीं बीन। जिन्हें हो गया दिया का फेवरेट बीन, दिया तेरी फेवरेट बीन आई है भाई, कल बीन की सब्जी बनेगी। देखो मुंह में कुछ लगाया शायद, मम्मी यहाँ अपनी बड़ी दीदी से गप्पे मारी, अपनी दर्द बता रही है अपनी बड़ी दीदी से गप्पे मारी गई बड़ी मौसी के साथ। अपने मुंह का फोटो, इस सीजन की पहली बीन हमारे खेत की ताजी ताजी। हाँ मौसी लाई हुई, बादल आते समय भी खरीदा मौसी, आपने देखा व्लॉग में आते समय बादल लेके आई, मेरे दोस्त लोग सब लगे मजाक बनाते मेरी। हाँ दिया मुझे बुला रही है, तो अभी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ डिनर, और डिनर में आज बनाया हमने गड़वा और चावल खा रही हूँ। आजकल रोज मायके में बैठ के यहाँ पे चावल खाया जा रहा है, यहाँ से लग रहा है मोटी होकर के जाऊंगी, रोज शाम को रोज चावल खा रही हूँ। और जबकि मम्मी रात को खाना नहीं खाती, हाँ राधु खाना नहीं खाती थी वहाँ पे, और आजकल मैं रात को रोज चावल खा रही हूँ। ये ना मोटे होके जाओगे मम्मी, हम भी मोटे होके जा रहे हैं यहाँ से, नानी ने इतना ठुसवा दिया, हम भी मोटे हो गए जा रहे हैं, मजा आ गया। ताकतवर तक हमारा खाना पीना यहाँ पे हो चुका है, और टाइम हो चुका है 10:30 बिल्कुल, टाइम को तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कब टाइम ज़्यादा बीत जा रहा है। तो खाया और डमडम हो रहा पे चूल्हा चौकी हो चुकी है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर छत पे घूमेंगे आगे बरामदे पे, खाना पचाएंगे। माता दवाई खा रही है, कौन सी वाली दिखाओ, हाँ ये पेन किलर है, ये कौन सी है, निशान नहीं बताया इसने, पी जाओ। हाँ ये पेन किलर है, ये है ये तो खाली पेट खानी है आपको, ये एक टाइम की खानी, सुबह शाम को खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, ये आज खा रही हूँ एक खा दिया ना, और ये भी आपकी सुबह शाम एक लेनी है ठीक है, हाँ ये भी आपको एक ही टाइम लेनी है, ये भी खा लिया मैंने। पेन किलर कौन सी है, पेन किलर निकाल ली, ये ना खाओ एक ही टाइम बनाओ, हाँ आप दवाई खाओ, थोड़े बाहर घूम रहा भी बाहर आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, आ चुकी हूँ बाहर, रूम में हो रहा काफ़ी गर्म, तो पापा पीछे ठंडे ठंडे में न्यूज़ सुन रहे हैं, फ्रेंड जो भी बैठी पापा के बगल में जो साहब है, मैं थोड़ी देर अभी यहाँ पे चक्कर काटती हूँ 3-4, फिर जाऊँगी सोने के लिए, थोड़ा सा खाना पच जाएगा मेरा। तो बस इसी के साथ आज की व्लॉग की यहाँ पे एंडिंग करते हैं, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।